हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। अभी हम जिस रोड पर हैं ये है एमजी रोड, जिसे कहते हैं मेहरौली गुड़गांव रोड। मेहरौली से गुड़गांव की तरफ जाने वाले रास्ता, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये अगेन ट्रैक है, येलो लाइन ट्रैक मेट्रो का। लेफ्ट में जो आपको ये बड़ी सी बिल्डिंग दिखी, ये है ली मेरिडियन होटल, जो कि आता है गुड़गांव सेक्टर 26 में। हम यहाँ से जाएंगे सेक्टर 26 से साइबर हब की तरफ, साइबर सिटी, और वहाँ से हम जाएंगे NH-8 की तरफ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट IT हब है इंडिया के अंदर और थर्ड लार्जेस्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल की हब है। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है ये, और यहाँ पर आपको पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता हुआ दिख जाएगा। लेफ्ट में आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। गुड़गांव के जो IT पार्क्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ पर बहुत ही हाई क्वांटिटी में वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं। एंड जो दिल्ली NCR पॉपुलर है जॉब्स डेस्टिनेशन के लिए, वो पॉपुलर भी इन्हीं की वजह से है। गुड़गांव और नोएडा पर्टिकुलरली, जो कि दोनों जगह एक तरीके से एक हब बन चुकी हैं जॉब्स के लिए। एंड सामने जो आपको नीली सी बिल्डिंग दिख रही है ये है गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन, जो कि गुड़गांव का पहला मेट्रो स्टेशन है अगर आप येलो लाइन से आते हैं तो। एंड इसके साथ में ही जो लेफ्ट में आपको बिल्डिंग दिखी वो था ग्लोबल बिजनेस पार्क, तो साथ में ही अगर आप मेट्रो से उतरते हैं तो आपको ऑफिसेज यहाँ पे साथ में ही मिल जाते हैं। यही जो एक्सेसिबिलिटी है और कनेक्टिविटी है गुड़गांव की, वो ही को वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन बनाता है जॉब्स के लिए। ये जो फ्लाईओवर है जैसे हम चल रहे हैं, ये फ्लाईओवर हमें डायरेक्टली ले जाएगा साइबर सिटी की तरफ। सामने जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आने लग गई होगी, जो सामने आपको नज़र आ रही है ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 8 है, जो कि साइबर सिटी का एक पार्ट है। साइबर सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके नंबर्स हैं। ये DLF फेज 3 और 2 का पार्ट भी है। एंड ये जो फ्लाईओवर है जिससे हम जा रहे हैं, ये भी रिसेंटली में कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसीलिए किया गया था कि ये कनेक्टिविटी बहुत सीमलेस हो। ऊपर से जो आपको ये ट्रैक जाता हुआ दिख रहा है, ये जो ट्रैक है ये रैपिड मेट्रो का ट्रैक है, जो कि डेडिकेटेड है ट्रैक है गुड़गांव में। एंड ये जो है ये पूरा सर्कल में साइबर पार्क का और साइबर सिटी का पूरा एक चक्कर लगाता है, और अभी तो ये सेक्टर 53 या 55 तक जाता है। एंड बहुत ईजी कनेक्टिविटी कर दी गई है, और यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको ऐसी नंबर वाइज DLF साइबर सिटी में। ये फेज 2 का मेट्रो स्टेशन है जो आपने अभी देखा। एंड यहीं से एक रोड NH-8 की तरफ चली जाती है और एक साइबर सिटी के अंदर चली जाती है। सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। यहाँ पे बेल्वेडियर टावर, इसके नाम पर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। एंड यहीं से जैसे हम राइट की तरफ मुड़ेंगे तो साइबर सिटी जो है उसका रास्ता शुरू हो जाएगा। एंड ये जो जगह है ये 2003 में ओपन हुई थी, तो लगभग इसे अभी 20 साल हो चुके हैं। एंड यहाँ से राइट होते ही हमें यहाँ की जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेंगे। एंड अगर आप प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये जो फ्लैट्स हैं इनका रेंट यहाँ पर बेल्वेडियर टावर्स में जो रेंट है वो अराउंड 60 to 70,000 है। एंड अगर यहाँ पर आप कुछ फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं तो दैट इज़ अराउंड लाइक 3 to 4 crores। एंड अभी जो आपको दिखने लगी है ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज हैं, यहाँ पर आपको फॉर्चून 500 कंपनीज ज़्यादातर मिल जाएंगी, चाहे वो IT की हो, बैंकिंग की हो, फाइनेंस की हो। एंड ये दिल्ली NCR का सबसे बड़ा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल।
यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स है दोनों तरफ है, राइट में हम देख पा रहे हैं बट लेफ्ट में भी ऐसे ही बिल्डिंग्स हैं, काफी सारा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ये। एंड सामने जो आपको एक ये रॉकेट से बिल्डिंग दिख रही है, ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है यहाँ की, जिसे कहा जाता है गेटवे टावर। DLF जो कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गुड़गांव को डेवलप करने में, उनका ऑफिस इसी में है। एंड ये सामने जो आपको दिख रहा है ये मेट्रो का स्टेशन है अगेन, और ये जो मेट्रो का स्टेशन है ये इंडसइंड बैंक मेट्रो स्टेशन है जो कि NH 8 पर आता है। उद्योग विहार अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर उतर के जा सकते हैं। एंड जैसे ही हम इस फ्लाईओवर से नीचे से राइट की तरफ जाते हैं तो हम NH 8 पर आ जाते हैं। NH 8 पे ये जो रोड है राइट की तरफ जाने वाली, ये दिल्ली की तरफ जाती है, मगर अगर अपोजिट साइड से अगर आप आते हैं तो वो NH 8 पे जयपुर की तरफ चली जाती है रोड। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोड है ये भी। लेफ्ट में जो आपको ग्लास की बिल्डिंग दिख रही है ये है DLF साइबर पार्क, जो कि उद्योग विहार में आता है सेक्टर 20 पे। ये NH 8 पर ही आता है, अभी रिसेंटली में ही ये बना है, लगभग 1 साल से 6 महीने ही इसे हुए। इस जगह पर कोशिश ये की गई है कि जितनी वाइड रोड हो सके उतनी वाइड रोड हो। एंड यहाँ से लेफ्ट में जो रास्ता जाता है, ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है ये उद्योग विहार के अंदर रास्ता जा रहा है। उद्योग विहार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स अगेन दिख जाएंगे और बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। एंड ये जगह जो है शंकर चौक भी कहा जाता है इसे। एंड यहाँ से हम आगे आने पर हम जो दिल्ली गुड़गांव का टोल हुआ करता था पहले, जिसे अभी हटा दिया गया है, वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ राइट में एम्बियंस मॉल है जो कि दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मॉल है। राइट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आने लग गई है वो लीला होटल है, ऊपर लिखा हुआ है अगर आप देख सकें तो। लीला होटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होटल है, काफ़ी फेमस होटल है यहाँ का। उसी के साइड में एम्बियंस मॉल भी है। यहाँ से आगे आने पर हम पहुँच जाते हैं गुड़गांव दिल्ली का टोल, जो कि अब वर्किंग नहीं है, कमर्शियल के लिए वर्किंग है बट पर्सनल व्हीकल्स के लिए नहीं है। एंड यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको सबसे वाइडेस्ट रोड दिखेगी दिल्ली NCR में, सबसे ज़्यादा वाइड यहीं पर रोड है। एंड काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर ड्राइव करने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। दिल्ली NCR के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको अपनी वीडियोज़ के थ्रू दूँ। थैंक यू।